ऋतिक रोशन ने इस साल सिद्धार्थ आनंद की एरियल एक्शन फिल्म फाइटर से शुरुआत की, जिसे भले ही अच्छे खासे रिव्यूज ना मिले हों, मगर पिक्चर के एक्शन सीन्स को पसंद किया गया। अब खबर है कि ऋतिक मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में एक और नए तरह की फिल्म बनाने जा रहे हैं। ये एक तरह की जोम्बी थीम फिल्म होगी। कौन सी होगी ये पिक्चर, क्या है अपडेट, सब समझते हैं। पीपिंग मून की रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक साल 2007 में आई हॉलीवुड की फिल्म आई एम लेजेंड का हिंदी रीमेक बनाने जा रहे हैं। विल स्मिथ स्टारर इस फिल्म के हिंदी राइट्स ऋतिक ने खरीद भी लिए हैं। अब इसके हिंदी अडेप्टेशन पर काम जल्दी शुरू होगा। बताया जा रहा है कि ऋतिक का ये पैशनेट प्रोजेक्ट है, जिसे बनाने में वो कोई गलती नहीं करना चाहते, इसीलिए इसकी मेकिंग में भी वो कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। आई एम लेजेंड एक सर्वाइवल एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कहानी एक ऐसे आदमी की है जो पूरी दुनिया में फैली महामारी में बिल्कुल अकेला बच जाता है। वो इकलौता इंसान होता है जिस पर ज़ॉम्बी अटैक करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते। वो उन अजीबोगरीब क्रिएचर से कैसे बचता है, कैसे सर्वाइव कर पाता है, पूरी फिल्म इसी पर आधारित है। खबर है कि ऋतिक के ही प्रोडक्शन हाउस में इस फिल्म को बनाया जाएगा। पीपिंग मून की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए ऋतिक रोशन सलमान खान की बजरंगी भाईजान के डायरेक्टर कबीर खान से बात कर रहे थे, मगर उन दोनों के बीच में बात जम नहीं पाई। अब ऋतिक को इस फिल्म के लिए डायरेक्टर की तलाश है जो इसे सही विजन दे पाए और कहानी को इंडियन तरीके से अडेप्ट कर सके। ये फिल्म अभी डेवलपिंग स्टेज पर है। ऋतिक इससे पहले क्रिश 4 पर काम करना शुरू करेंगे। इसके बाद इस प्रोजेक्ट के फ्लोर पर आने या फिर उसके प्रोडक्शन में आने की संभावना है। क्रिश 4 की बात करें तो ये भी ऋतिक के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है जिस पर कई सालों से काम चल रहा है। अब फाइनली 2025 में इसके फ्लोर पर आने की उम्मीद है। इस बार फिल्म को राकेश रोशन के साथ सिद्धार्थ आनंद भी प्रोड्यूस करेंगे। इसका डायरेक्शन करण मल्होत्रा करेंगे जो इससे पहले अग्निपद बना चुके हैं। ऋतिक रोशन के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो जल्द ही स्पाई यूनिवर्स की फिल्म वॉर 2 में नजर आएंगे, जिसे अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। इसमें ऋतिक के साथ जूनियर एनटीआर भी होंगे। इसके अलावा ऋतिक साउथ के एक बड़े डायरेक्टर के साथ एक बड़ी कॉमर्शियल सोशल ड्रामा फिल्म पर भी डिस्कस कर रहे हैं। सिद्धार्थ आनंद के प्रोडक्शन में बनने वाली एक एक्शन फिल्म में ऋतिक रोशन दिख सकते हैं। फिर आलिया भट्ट की अल्फा में भी ऋतिक रोशन का कैमियो हो सकता है। खबर को लिखा है मेघना ने, मेरा नाम है विभावरी। एंटरटेनमेंट की दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।